हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको थ्री चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 3.2, ये मैंने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। आज वही एक्सरसाइज 3.2 लेने वाले हैं और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि कोई एफएक्स जिसकी मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है, तो एफएक्स इक्वल मैट्रिक्स में दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, यानी कि इसमें मैट्रिक्स जो दे रखी है वो 3×3 ऑर्डर की दे रखी है। रो भी 3 है और कॉलम भी इसमें 3 है। तो आप देख सकते हैं कोई एफएक्स जो है, कोई फंक्शन, वो इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है। अब आपको आगे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, सो देट करना है कि एफ ए डॉट एफ बी, यानी कि एफ ए और एफ बी का जो प्रोडक्ट है वो एफ ए प्लस बी के इक्वल आता है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखा है वो हम यहाँ राइट करेंगे। राइट करने के बाद अब हम देखते हैं कि जैसे ये एफ एक्स है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो दे रखे हैं वो देखो एक्स के एंगल की फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ एक्स लिया तो यहाँ भी एक्स लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स की जगह ए आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें एक्स इक्वल ए पुट करेंगे। जहाँ भी ए आता है तो हमें ए से रिलेटेड उसकी मैट्रिक्स को हमें 3×3 ऑर्डर की बनाएंगे। तो यहाँ एक्स की जगह ए लिखा तो एफ ए हो गया। अब हम ये जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो भी आ रहा है एक्स, वहाँ पर हम ए पुट करेंगे। तो यहाँ ए पुट करेंगे तो कॉस ए, इधर इस तरह से हो जाएगा साइन, माइनस का साइन है ये जीरो, साइन है कोस है जीरो 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 वन, इस तरह से ये एफ ए की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एफ बी है, तो अब हमें इसको देखते हुए पता चल रहा है कि हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, बी पुट करना है। तो हम इस मैट्रिक्स में एक्स की जगह बी पुट करेंगे, तो एफ बी, तो यहाँ हो जाएगा कोस बी माइनस साइन बी जीरो, साइन बी कोस बी जीरो और जीरो जीरो वन, ये 3×3 ऑर्डर की एफ बी फंक्शन की ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमें यहाँ देख सकते हो राइट हैंड साइड में ए प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी। पहले हमने ए पुट किया था फिर बी पुट किया था, अब हम यहाँ एक्स की जगह ए प्लस बी पुट करेंगे। तो हम यहाँ इस वाले में एक्स की जगह ए प्लस बी रखेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरह से आएगी, कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी जीरो, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी जीरो 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 वन। ये अपन ने पहले सबसे पहले उसी क्वेश्चन के गिवन को लेते हुए जो प्रूफ करना था उस प्रूफ में क्या क्या किसकी मैट्रिक्स चाहिए थी वो हमने बना ली। सबसे पहले एफ ए की बना ली, फिर एफ बी की बना ली और लास्ट में ए ए प्लस बी की बनाई। अब हम क्या करेंगे, इसकी एल एच एस साइड लेंगे। एल एच एस साइड में क्या बता रखा है कि दोनों देखो एफ ए और एफ बी या डॉट प्रोडक्ट में इनटू की फॉर्म में है, इसका मतलब हमें एफ ए और एफ बी की मैट्रिक्स को हमें प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले एल एच एस साइड लेंगे एफ ए और एफ बी। एफ ए मैट्रिक्स जो भी लिखी है मैंने यहाँ लिखी, एफ बी जो बताई थी वो यहाँ इनटू में लिख दी। अब आपको मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का रो दूसरे वाले मैट्रिक्स के इच कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है और बीच में प्लस प्लस की फॉर्म में लिखना है, फिर सेकंड रो उठाएंगे, फिर इसी तरह थर्ड रो उठाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हम रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो कॉस ए कॉस बी ये देखो ये लिखा हुआ, फिर माइनस साइन ए साइन बी ये लिखा हुआ, जीरो को जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो अपन जीरो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये वैल्यू फर्स्ट रो की आई। फिर इसी फर्स्ट रो को हम अब इससे करेंगे, तो कॉस ए साइन बी तो साइन बी कॉस ए लिखा है, फिर साइन है कॉस बी तो माइनस का साइन है कॉस बी ये लिखा हुआ, जीरो को इस जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, चलो जीरो आएगा इसमें, ठीक है ना। फिर हम इसी को थर्ड वाले से करेंगे, तो इसको इससे किया तो जीरो आएगा, इसको इससे किया जीरो आएगा, इसको इससे करेंगे वन की जगह जीरो करेंगे तो वन आएगा ये, है ना। तो इस तरह से ये अपन ने इसका इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद अब हम देखेंगे सेकंड वाली रो, सेकंड वाली रो को हम पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से करेंगे, तो साइन ए कॉस बी ये लिखा हुआ है, कॉस ए साइन बी ये लिखा हुआ, दोनों को प्लस के फॉर्म में लिखना है।
फिर जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। साइन ए को हम इससे इंटू करेंगे तो माइनस साइन ए साइन भी हो जाएगा, कॉस ए को कॉस बी से करेंगे तो कॉस ए कॉस भी हो जाएगा, इस जीरो को जीरो से करेंगे तो वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप थर्ड रो को इससे करना है, पहले वाले कॉलम से, सेकंड वाले कॉलम से और थर्ड वाले कॉलम से, तो देखोगे आप जीरो जीरो और वन आएगा। तो ये अपना मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई वो इस तरह से है। अब ये जो अंदर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट आए हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है। जैसे मैंने आपको 11 क्लास में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया था, उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन जो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो मैंने आपको ये दो लिखे हुए हैं, साइन ए प्लस बी तो वो इस तरह से खुलेगा, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन खुलेगा कैसे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी, अब इस कॉस ए साइन बी, ये अपन ने पढ़ा था 11 क्लास में। अब इसी तरह कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस कॉस और साइन साइन इस फॉर्म में खुलेगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस वाला होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको इसमें दिख रही होगी। अब आप कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी माइनस है तो यहाँ माइनस वाला है तो अपन यहाँ इसमें प्लस वाला फॉर्मूला उठाएंगे, तो वो ये इस तरह से दिख रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस बी, तो ये कॉस ए प्लस बी लिखा है, ठीक है ना। पहले इस वाले में अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, तो अंदर प्लस वाला आ जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आपके साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी साइन ए प्लस बी आ जाएगा, तो ये साइन ए प्लस बी आ गया, माइनस जो कॉमन था वो यहाँ ले लिया अपन ने, जीरो का जीरो आएगा। इसी तरह ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, इसी तरह ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का, ये जीरो, बाकी के एलिमेंट ऐसे कैसे उतारेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स आई है सोल्व करने पर, अब ये देख सकते हैं कि ये ऐसी की ऐसी मैट्रिक्स अपन ने पहले कहीं ना कहीं लिखी है, वो लिखी है देखो एफ ए प्लस बी की, तो देखो आप कॉस ए प्लस बी दिख रहा है, कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, जीरो जीरो इधर वन वन, ये देखो सारे वो के वो एलिमेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब इसका सोल्व करने पर अपना आया है एफ ए प्लस बी, तो ये आपका आर एच एस साइड आ गई। तो हमने इसमें जो गिवन मैट्रिक्स थी उस मैट्रिक्स से दो नई मैट्रिक्स बनाई है, और इसका एल एच एस और आर एच एस देखा तो दोनों की वैल्यू क्या आई है, इक्वल आ गई है, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन और लिया है, एक मैट्रिक्स ए है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आपको पूछा है ए डॉट ए ट्रांसपोज, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो भी आएगा उसका इससे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी वो आपको इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दे रखी है वो राइट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज पहले निकालना है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज करके, जैसे ये रो है इस रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा है तो मैं इसको कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह से बनाऊंगा, ये रो ये कॉलम में चेंज हो गया, ये रो जो है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये रो का मैंने कॉलम में बना दिया, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए टी ये आ गया। अब हमें यहाँ लिखा हुआ है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ए वाली मैट्रिक्स यहाँ लिख ली, ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स यहाँ लिख दी, और मल्टीप्लाई का जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा है उसको इससे इंटू करके अगर लिखना है अपन को, कॉस थीटा का कॉस थीटा से इंटू होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा से होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इस रो को इससे करना है इस सेकंड वाले से, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में है तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाएगा, बीच में प्लस लिख देंगे। इसी तरह सेकंड वाले का भी इसमें ऐसे करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स इस तरह से खुलेगी। अब यहाँ देख सकते हैं ये माइनस की फॉर्म में है, ये प्लस की फॉर्म में, ये पूरी एलिमेंट कट जाएंगे, ये भी माइनस है ये प्लस है ये कट जाएंगे। यहाँ आप वैल्यू मिल रही है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपने छोटी क्लासों में 10 क्लासों में पढ़ी होगी, इसकी वैल्यू क्या मिली है 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, ये दोनों कट जाएंगे तो 0 0 आएगा। इस तरह से ए डॉट ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आई है वो आई है 1 0 0 1। अब ये देख सकते हैं इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिखे जिसमें 2×2 ऑर्डर की हो, प्रिंसिपल डायगोनल पर अगर 1 1 हो तो एक तरह से वो 0 मैट्रिक्स होती है, इसको हम I2 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में कैसे उसको प्रूव करना है किसी मैट्रिक्स
को दिया हुआ है उसको कैसे सोल्व करके प्रूव करके करना है वो अपने देखा, और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करके कैसे सोल्व करना है ये हमने देखा, और बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।